नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किशमिश खाकर आप अपनी तकड़ी बॉडी कैसे बना सकते हैं। तो भाई आप बहुत भाई कह रहे हो हम किशमिश तो रोज खाते हैं और फिर भी हमारी बॉडी नहीं बनती है। तो भाई आपका जो किशमिश खाने का तरीका ना बिल्कुल अलग है। तो आज हम बात करने वाले कि आपको किशमिश किस तरीके से खानी है जिससे कि आपकी तेजी से बॉडी बनने लगे। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं लिस्ट को। तो भाई आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं या फिर अपना वजन घटाना चाहते हैं या फिर अपनी तकड़ी बॉडी बनाना चाहते हैं, तो भाई उसके लिए सबसे ज्यादा मेन रोल जो निभाता हमारी बॉडी में वो निभाता हमारा पेट। क्योंकि जब तक हमारा पेट सही नहीं होगा तो ना ही आप वजन बढ़ा सकते हो ना ही वजन घटा सकते हो। भाई बॉडी बनानी तो आप भूल ही जाओगे। भाई आप जो भी खाना खाओगे आपको आपके शरीर को नहीं लगेगा जब तक आपका पेट खराब है। और आपका पेट सही है तो भाई आप थोड़ा बहुत भी खाना खाओगे तो भाई आपके शरीर को लगने लगेगा और आपका तेजी से वजन बढ़ने लगेगा और भाई तकड़ी बॉडी आपकी बनने लगेगी। क्योंकि आपने काफी बार देखा हो जो कुछ लोग होते हैं मतलब थोड़ा बहुत वो खाना खाते हो भाई उनके शरीर को लगने लगता है। क्यों लगने लगता है? क्योंकि उनका जो पेट है ना सही है और उनकी जो मतलब मशीन की अच्छी तरीके से खाने को पचा रही है और उनके शरीर को वो लगने लगता खाना। और आप क्या करते हैं मतलब आप एकदम मुर्गा खाते हैं, अंडे खाते हैं और सब सामान अच्छे अच्छे सामान खाते हैं और फिर भी आपके शरीर को नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आपका जो पाचन तंत्र है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, आपका जो पेट है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो भाई आप वर्कआउट स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर अपनी डाइट को स्टार्ट करना चाहते हैं तो भाई सबसे पहले आपको अपना पेट सही करना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि आपका जो वर्कआउट का टाइम है वो बेकार ना हो और आपके जो डाइट के पैसे हैं वो भी बेकार ना। वीडियो में किशमिश की जो हम बात करने वाले हैं इसलिए करने वाले हैं क्योंकि किशमिश ना हमारे पेट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। आप इसको अच्छी तरीके से यूज करते हो तो भाई आपके एकदम पेट हेल्दी हो जाता है और आपका जो पाचन तंत्र है सही तरीके से काम करने लगता है और आपका पाचन तंत्र मजबूत होना स्टार्ट होता है। इसके बाद आप कोई भी खाना खाते हैं आपके शरीर को लगने लगता है। पर आपको इसके फायदे तब मिलने वाले हैं जब आपको इसका किशमिश का मतलब तरीका पता होना चाहिए कि हमें किस टाइम यूज करना है, कैसे यूज करना है और कितनी मात्रा में हमें यूज करना है। आप क्या करते हैं मुट्ठी में ऐसे ही भरते हैं किसी भी टाइम और ऐसे ही खा लेते हैं, कच्ची खा लेते हैं। तो इसके आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाले। हम बात करने वाले हैं कि किशमिश को आपको कैसे यूज करना जिससे कि आपका तेजी से वजन बढ़ने लगे। तो भाई आपका तेजी से वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिक आपकी तेजी से बॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है। तो भाई आपके घर पे किशमिश हो तो भाई घर की किशमिश को ले सकते हैं, मतलब आपके घर पे किशमिश नहीं है तो आप बाजार से किशमिश लाकर इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज आपको कैसे करना, तो भाई आपको जो किशमिश हम ला चुके हैं तो उससे पहले आपको एक गिलास पानी लेना है। एक गिलास पानी लेने के बाद मतलब थोड़ा खाली गिलास लेना है। वो लेने के बाद आपको क्या करना है, जो हम किशमिश हमारे पास है तो उसमें आपको अपना जो हाथ है ऐसे डाल देना है और डालने के बाद उसमें एक मुट्ठी किशमिश आपको निकाल लेनी है। निकालने के बाद वो उसमें अच्छी तरीके से गिलास में डाल देनी है। डालने के बाद आपको इनको शाम को फूलने डाल देना है और सुबह तक अच्छी तरीके से इनको फूली दे आपको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद जैसे आप मतलब सुबह को खाट से उठते हैं फ्रेश ब्रेश होने के बाद कोलगेट करने के बाद अपना जो हमने उसमें गिलास में किशमिश को फूलने डाला हुआ है उसको आपको उठाने के बाद एक चम्मच लेनी है, चबा चबा के अच्छी तरीके से खा लेना। क्योंकि जब हम धीरे धीरे चबा चबा के खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर लार बनती है और लार जो बनती है जब हम उसे किशमिश को नीचे सटकेंगे तो वो लार जो हमारे पेट में जाएगी और पेट में जाएगी तो भाई आपका आप जो हम जो किशमिश खा रहे हैं वो अच्छी तरीके से तेजी से डाइजेस्ट हो जाएगी। तो भाई किशमिश तो हम खा चुके हैं और जो हमारा जो किशमिश का जो पानी बचा हुआ गिलास में तो भाई उसे आप पीना चाहते हैं तो भाई पी सकते हैं। उसमें भी काफ़ी गुण होते हैं, उसमें भी काफ़ी आपको फायदे मिल जाते हैं। तो भाई पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं वरना उसे फेंक सकते हैं। तो भाई ये फूले के आप अच्छी तरीके से किशमिश को फूले अगर आप यूज करते हो तो भाई आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलने वाले हैं। आपका जो पाचन तंत्र मजबूत होना स्टार्ट हो जाएगा और आपके अंदर स्ट्रेंथ स्टेमिना और जो आपकी पावर ताकत है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि आप क्योंकि जो जिम वाले लोग होते हैं और जो पहलवान लोग होते हैं वो किशमिश को ही यूज करते हैं और उनका पाचन तंत्र एकदम मजबूत हो जाता है। तो वही उनका पाचन तंत्र मजबूत नहीं होगा तो वो मतलब जो डाइट लेते हैं वो सारी खराब जाएगी। तो भाई इसीलिए पाचन तंत्र को मजबूत करना बहुत जरूरी। तो इसके लिए आप किशमिश को यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया शाम को फूले के सुबह को यूज कर सकते हैं। तो भाई आप मतलब वर्कआउट करते हैं तो भाई वर्कआउट से एक घंटे पहले इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि वर्कआउट से एक घंटे पहले यूज करोगे तो ये जो हमारी किशमिश है अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगी। तो भाई इसको तो आपको फॉलो करना ही करना है और जो आपकी दिनचर्या उसको भी आपको सुधारना है। कि भाई कुछ भाई क्या करते हैं उनका जो पेट है किस वजह से खराब रहता है, किस वजह से खराब रहता है कि वो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो क्या करते हैं वो ऊपर से ठंडा गट 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 पेट भर के पानी पी जाते हैं। उसके कारण जो उनकी जो जठर अग्नि है जो मतलब हमारी पचाने की क्रिया होती है वो शांत हो जाती है और आपका जो खाना वो पेट में ऐसे ही पड़ा रहता है यानी कि वो बेकार हो जाता है। बेकार आपके पेट में खाना हो जाता है तो भाई आपका जो पेट है खराब ही होने वाला। तो भाई आपको ऐसा नहीं करना है। आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपको क्या करना है मतलब आपके आपके जो गले में थोड़ा बहुत खाना रुकता है मतलब फंसता है तो एक घूंट पानी आप पी सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मतलब पूरा पेट भर के पानी पीना है,
एक आध दो घूंट मतलब खाना खाने के बाद आप पानी पी सकते हैं, जिससे कि जो आपका खाना है वो पेट में पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी जो जट रखनी है उसको ठंडा करना। मोहित भाई कह रहे हो कि हमें खाने के कितनी देर बाद पानी पीना, जिससे कि हमारा खाना अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाए और हमारे पेट में वो खाना बेकार ना हो। तो जिस टाइम आप खाना खा रहे हो तो उस टाइम आपको टाइम लगा लेना और उसके एक घंटे बाद आपको पानी पीना है, जिससे कि आपका खाना अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई जो ये मैंने आपको सारा सामान बताया ना अच्छी तरीके से फॉलो करना, और कि भाई किशमिश को आपको शाम को ही फुलेकर सुबह में ही यूज करना, खाली पेट यूज करना है। और भाई इसके साथ साथ आप थोड़ा वर्कआउट कर सकते हैं, जिससे जिस टाइम हम वर्कआउट करते हैं तो भाई हमारी जो मशीनगिरी होती है वो अच्छी तरीके से काम करती है और जो भी आप खाना खाते हैं वो आपके शरीर को लगने लगता है। तो ये सारे सामान फॉलो करो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, आपका तेजी से वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और आपके तेजी से बॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई आज की वीडियो में हमारा आपको कुछ भी पसंद आता तो भाई लाइक शेयर करना ना भूले, और अगली वीडियो किस टॉपिक लाई है कमेंट के थ्रू हमें लिख के बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।